एक बार एक व्यक्ति ने स्वामी विवेकानंद जी से पूछा कि स्वामी जी फोकस क्या होता है, फोकस से होता क्या है, और अगर कुछ होता भी है तो हम हमेशा फोकस कैसे रहें। स्वामी जी ने उस व्यक्ति को बताना शुरू किया कि एक कोई भी आइडिया को अपना लो जिसे तुम औरों की अपेक्षा उसे एक अलग ढंग से कर सको। उस आइडिया को अपने जीवन धारा में ऐसे समाहित कर लो मानो तुम्हारा वही जीवन है। उसके बारे में सोचो, उसके सपने देखो, उस पर विचार करो, उस आइडिया को जियो। अपने दिमाग, मसल्स, नर्वस, शरीर के हर हिस्से को उस आइडियाज में डूब जाने दो, बाकी सभी आइडियाज को साइड कर दो। यही फोकस का मूल आधार है। मात्र यही एक तरीका है जिससे महान लोग निर्मित होते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि फोकस शब्द को शायद इससे अच्छे ढंग से समझाया जा सकता है। फोकस से होता क्या है, तो आपने बचपन में ज्योमेट्री बॉक्स में दिया गया लेंस को जरूर देखा होगा। लेंस देखने में एक साधारण सी कांच का टुकड़ा लगता है, पर जब हम उसे कागज के किसी एक हिस्से पर फोकस करते हैं तो थोड़ी देर पश्चात वह कागज जलने लगता है। उसी तरह आप जब अपने गोल पर फोकस हो जाते हैं तो मार्ग में आने वाली हर बाधाएं उसी कागज के भांति जलते चले जाते हैं और अंततः आप अपने लक्ष्य को अचीव कर पाते हैं। फोकस आपको सिर्फ यही नहीं बताता कि करना क्या है, बल्कि यह भी बताता है कि क्या नहीं करना है। फोकस आपको अपने टारगेट से बांधे ही नहीं रखता, बल्कि आपको बेकार की चीजों से बंधने से भी बचाता है। और जब आप फोकस्ड हो जाते हैं तो क्या आपको लगता है कि हमेशा फोकस्ड रहना आसान है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे आप एक स्टैचू की तरह हर वक्त खड़ा नहीं रह सकते, हर दिन एक ही तरह की भोजन ग्रहण नहीं कर सकते, ठीक उसी प्रकार हर वक्त फोकस रहना इतना आसान नहीं। अगर आप अपने फील्ड में दुनिया का इकलौता बनना चाहते हैं तो पूरी तरह से उस काम में डूबना होगा और तब तक लगे रहना होगा जब तक कि आप अपनी एफर्ट को फिजिकल रियलिटी में तब्दील होते ना देख लें। बीच में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आएंगे, पर उस वक्त आपको अपने फोकस नहीं लूज करना। और ऐसा तभी हो सकता है जब आप अपने आइडियाज पर पूरी तरह से यकीन करते हो। इस मुश्किल दौर में जब माइंड में सेल्फ डाउट आने लगे, तब आपका बिलीफ सिस्टम ही आपको डिस्टर्ब होने से बचाता है और आपके दिमाग को पुनः स्थिर कर सकता है। और आप अपने माइंड को पूरी तरह से कंट्रोल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हाउ टू कंट्रोल माइंड वीडियो का लिंक दिया गया है, आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं। कुछ शुरू करने से पहले आपको अपने काम की सफलता पर पूरी तरह से बिलीव करना बहुत जरूरी है। आगे यही आपके फोकस को उस पर बनाए रखने में मदद करेगा। इतना याद रखिएगा कि अपने जीवन में एक नॉर्मल फोकस्ड व्यक्ति एक टैलेंटेड अनफोकस्ड व्यक्ति से कहीं ज्यादा अचीव कर सकता है। यदि इस वीडियो में दिया गया नॉलेज से आप सहमत हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, शायद उन्हें भी इसकी जरूरत हो। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कैरी ऑन, बी पेशेंस एंड टेक केयर।